दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइल पे टोटल वीडियो आपकी रहने वाले है। स्टार्ट का टॉपिक मैं बताता हूँ, लेकिन जो लास्ट में टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें मैं बात करने वाला हूँ फुल प्रोसीजर आपके साथ कि कैसे टाइल लगानी है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पहचाने, टाइल लगाने वाले को कैसे पहचाने वो सही है, कहीं बीच में से भाग नहीं जाए, प्रॉपर स्लोप और भी काफ़ी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। 15 से 16 मिनट आपके लूँगा, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। वॉल पे अगर टाइल लगा रहे हो और वहाँ पे पेंट किया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग यहाँ पेंट वाली दीवार पे टाइल लगवाते हैं और होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो टाइल निकलने लग पड़ती है, कईयों में क्रैक आ जाते हैं, कई दीवार डीमोल्ड होने लग पड़ती है, मतलब निकल के गिरने लग पड़ती है और यहाँ बीच में गैप आ जाता है। वो क्या रीज़न है, क्यों होता है? और दूसरी चीज़ वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दीवार पे पेंट लगा होता है उस दीवार पे टाइल लगानी कैसे है, आपको वहाँ पे खड्डे खड्डे करने हैं या ग्राइंडर मरवाना है तो कौन सा सस्ता पड़ता है, लेबर रेट क्या है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना। और एक केमिकल या सीमेंट कौन सा यूज़ करना है आपको वॉल पर टाइल लगाने के लिए, वो सब चीज़ें बात करने वाला हूँ और कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगी, सिविल साइड विजिट पे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखो सबसे पहले होता क्या है, जब भी वॉल पे टाइल लगवाने जाते हो, अगर पेंट पे डायरेक्ट टाइल लगवा दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, डीबॉन्ड हो जाती है, मतलब उसमें बॉन्ड नहीं बनती है पेंट के साथ, क्योंकि पेंट सीमेंट को कभी पकड़ता नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा उसको छोड़ देगा और आपकी जो टाइल होगी या तो कोई दूसरी तरफ से हथौड़ा भी मारेगा वो निकल जाएगी, या थोड़ी भी हीट लगेगी वो निकल जाएगी, तो मतलब उसमें बॉन्ड नहीं होती, वो उस टिकी हुई है, तो थोड़ा भी उसमें मूवमेंट हुआ वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, जब भी आपको प्लास्टर वाली दीवार पे टाइल लगानी है आपको क्या करना है, उस पर हॉकिंग कर देनी है, मतलब टाचा मार देना है कि खड्डे खड्डे डाल देने हैं कि आपका जो पेंट वो सीमेंट होगा वो अच्छे से एक बॉन्ड बना लेगा जो दीवार होगी उसके साथ, और फिर वो टाइल के साथ अपने आप बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ दूसरा तरीका होता है, आप जो ग्राइंडर आते हैं, मतलब उस पेंट को निकाल दिया जाता है रगड़ रगड़ के, पूरा मतलब पेंट निकाल दिया जाएगा और सीधा सरफेस क्या आ जाएगा, सीमेंट सरफेस, और जब सीमेंट सरफेस आ गया तो फिर तो आपकी बॉन्ड अच्छे से बन जाएगी। दोनों में से सही प्रोसेस कौन सा है, दोनों में से सही प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं पेंट पूरा निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका डायरेक्ट प्लास्टर दिखने लग पड़ता है, उसमें बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, लेकिन वो एक तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, डस्टी प्रोसेस है, वो आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डस्टी डस्ट आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी और आपके इर्द गिर्द एरिया में, और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो ये टाचा वाला है, मतलब जिसमें हम होल करते हैं, खड्डू खड्डू डालते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, वो है कि जब आप इसमें हॉकिंग करने जाओगे तो एक तो आपके जो खड्डे डलेंगे दीवार पे वो थोड़े गहरे होने चाहिए कि उसमें जो सीमेंट जाए वो अच्छे से अंदर घुस पाए, दूसरा वो काफ़ी क्लोज होने चाहिए, मतलब अगर आप कहो कि थोड़े छोटे छोटे खड्डे मारेंगे उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सामने देख रहे हो एक जगह से नीचे से टाइल निकाली गई है, पुरानी टाइल को निकाल के दूसरी टाइल लगाई जा रही है, और दूसरा वहाँ पेंट वाले एरिया पे ये प्रोसेस किया जाने वाला है, टाइल लगाने वाली है, तो इस तरीके को आपको अपनाना है कि आपके जो खड्डे हों वो थोड़े ज़्यादा हों। और अगर हम बात करें, इसको एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसको करवाना कैसे है, पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा पड़ता है, देखो टाइल निकालने का जो खर्चा रहता है वो रहता है 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट के 5 से 6 रुपये लेते हैं टाइल को निकालने का, फिर उस पर जो नई टाइल लगेगी उसका खर्चा होता है 15 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब टोटल आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट में ये प्रोसेस पड़ेगा, जिसमें आपका टाइल पुरानी टाइल निकाल के दूसरी टाइल लगाई जाएगी, और जहाँ पेंट वाला एरिया होगा वहाँ पे आप ये खड्डू खड्डू डलवा सकते हो, ये लेबर वाइज भी करवा सकते हो, लेबर वाइज इन द सेंस कि आप पर डेली के हिसाब से लेबर लगाइए, उसको समझा दीजिए वो कर देगा, या आपका एक और प्रोसेस इसमें रहता है 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप हॉकिंग करने को दे दीजिए। ये हो गया कि आपको टाइल लगवानी कैसे है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या है, जब भी टाइल लगवाने जाओगे आप, आपको देख लेना है जो टाइल आप यूज़ करने चाह रहे हो वॉल पे वो उसकी पीछे जो रिब्स हैं, मतलब उसमें जो ग्रिप है वो कैसी है, क्योंकि काफ़ी टाइल्स ऐसी आती हैं जिनकी रिब्स अच्छी नहीं होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, हमारी फ्लोर टाइल के लिए। ये भी चीज़ें चेक कर लेनी है कि उसकी प्रॉपर रिब्स हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो उसकी जो पीछे रिब्स हैं उस पर सीमेंट लगाया जा रहा है, इस सीमेंट का मैं आगे बताता हूँ कौन सा एडेसिव आपको यूज़ करना होता है, जो सीमेंट है वो प्रॉपरली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो जो मिस्त्री लगे हैं उन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छे से जो कॉर्नर्स हैं उनको फिलअप करना है, और जो सीमेंट बनेगा
वो प्रॉपर पेस्ट बन के उसका छोड़ देना है, कोई 10 मिनट छोड़ देना है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद उसको वॉल पे आपको लगाना है, और इसको लगाने का भी प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मिस्त्री ने पूरा प्रॉपर उसको पहले जो एरिया था पीछे उसको गीला करना है, मतलब उसको पानी सोखने के लिए छोड़ देना है। जैसे वो पानी सोख लेगा तो फिर उसके बाद आपको टाई लगाना शुरू करनी है। अगर आप बिना पानी सोखे टाई लगाना शुरू करोगे, होता क्या है, जो हमारी दीवारें होती हैं प्लास्टर होता है, जहाँ सेम आपका पेंट ही है, पेंट पे डायरेक्ट आप बिना उसको क्यूरिंग किए तिराई पानी पिलाए आप यूज़ करोगे, तो आपका जो पेस्ट बना होगा सीमेंट का, उसका पानी कौन सोख लेगा, वो सोख लेगी दीवार। और फिर उसमें होता क्या है, जब एक बार दीवार ने वो पानी सोख लिया और वो प्लास्टर कुछ फिर वो जो सीमेंट होगा कुछ काम का नहीं रहता उसका, क्योंकि जो सीमेंट है तब तक उसको 7 दिन की क्यूरिंग प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं की हो, तो वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ भी वही होता है, जब प्लास्टर ने वो पानी उसका सोख लिया तो वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म ही बन जाता है और थोड़े टाइम बाद वो निकलने लग पड़ता है। तो आपको हमेशा वॉल पे जब भी टाइल लगवानी है आपको उसको पहले तराई कर लेनी है, गीला कर लेना है, उसके बाद जैसे तराई की उसके 1-1.5 घंटे बाद आप टाइल लगवाना शुरू कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप टाइल लगवाने जाओ वॉल पे, जो आपकी वॉल टाइल होगी उसको आपको पानी में डुबा के रखना है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो जितना पानी उसको सोखना होता है वो सोख लेगी। मतलब जैसे आपको आज वो वॉल पे लगानी है उसके 1-2 घंटा भी बहुत है, मतलब ऐसे तो काफ़ी टाइम तक आपको उसको रखना पड़ता है, तो आपको उस टाइल को 2 घंटे पूरे पानी में मर्ज करके रखना है और उसको निकाल देना है। तो 2 घंटे बाद उसको बाहर रख दीजिए और फिर उसको वॉल पे लगाइए। इसको करने का क्यों ये ज़रूरी है, इसको करने के लिए इसलिए करते हैं, वही सेम चीज़ है, अगर डायरेक्ट जो हमारी टाइल होती है उस पर हमने सीमेंट पेस्ट लगा दी उसको बिना पानी में डुबोए, जो टाइल होगी जो सीमेंट पेस्ट में पानी होगा उसको सोख लेगी और फिर आधा प्लास्टर सोख लेगा, तो वो जो सीमेंट पेस्ट होगी वो किसी काम की नहीं रही। तो उसको ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान देनी देनी है, तो तभी आपकी जो वॉल पे टाइल लगेगी उसके निकलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ज़्यादा डिक्रीज आपको चांसेस कैसे करने हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको भी यूज़ कर, चीज़ को और ज़्यादा कम आप कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो आप एक एडिजिव आता है, जो फेविफिक्स आप देख रहे हो टाइल एडिजिव रहते हैं, तो जब भी अगर आप वॉल पे टाइल लगवाने जा रहे हो तो टाइल एडिजिव आपको यूज़ कर लेना है। उससे होता है क्या, थोड़ी बॉन्ड ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आप डायरेक्ट सीमेंट से भी पेस्ट बना के करोगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि जो आप सीमेंट यूज़ करने जा रहे हो उसका प्रॉपर डेट क्या है, कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया, 3 मिनट से पुराना सीमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर और ज़्यादा दिक्कत है, मेरे ख्याल में जहाँ पे पेंट वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको टाइल एडिसिव ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ होती है टाइल पकड़ने के लिए, तो वो आप यूज़ करिए और प्रॉपर तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, किस चीज़ के, जो डीबॉन्ड होने के। तो 5-6 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई है, एक तो आपको पानी में टाइल डुबो के रखनी है, दूसरी आपको दीवार पे क्यूरिंग कर देनी है, तीसरी आपको उस पर हॉकिंग या ग्राइंडर से घिस लेना है। ये चीज़ें अगर आप फॉलोअप करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं डीमोंड के, मतलब टाइल निकलेंगे। और जब एक बार टाइल लग जाती है तो 2 दिन तक उसको आप क्यूरिंग करिए, क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो आपके जॉइंट्स होंगे थोड़ा बहुत उसमें पानी लगेगा, जो जहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स होंगे तो उसमें पानी अगर घुसता है तो वो भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा टाइल को रोकने में। तो यही चीज़ें होती हैं, आप फॉलोअप करो पेंट पे वो लगाने के लिए, जहाँ पेंट होगा वहाँ टाइल लगाने के लिए फॉलोअप करोगे तो टाइल गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको चेक करना है कि टाइल को सही तरीके से कैसे लगाया जाता है, कि वो नीचे खाली ना रहे, और क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, एक अच्छे मिस्त्री का क्या होता है, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे टाइल फिक्स करते हैं टेम्पररी, फिर परमानेंट कैसे करते हैं, स्कर्टिंग कैसे लगाते हैं, न्यू प्रोसीजर आप पूरा देखने वाले हो कि कैसे कैसे टाइल लगाई जाएगी। जैसे आप सामने देख रहे हो अभी जो सैंड है उसको मिक्स कर लिया गया है सीमेंट से, सैंड और सीमेंट का मिक्स कर लिया जाता है, मतलब 6.2 की रेशो बनती है, 6 बैग अगर सैंड डाली जाएगी, और इसके लिए मोटी सैंड हमेशा यूज़ की जाती है। जैसे सैंड डल जाएगी उसमें सीमेंट का हमें मिक्स करना होता है, 2:2 रेशो में हमें सीमेंट डालें, और सीमेंट आप PPC यूज़ करिए क्योंकि उसमें क्रैक नहीं आएगा, और स्ट्रेंथ की इसमें ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो PPC यूज़ करिए। तो जैसे हम सैंड और सीमेंट को मिक्स कर लिया जाता है, उसका एक मिक्सचर बना लिया जाता है, उसके बाद स्लोप निकाली जाती है कि पानी आपको किस तरफ छोड़ना है। जैसे पानी का डिसाइड हो जाता है कि आपका पानी इस तरफ जाएगा, यहाँ से स्लोप उठानी है, वो वाटर लेवल की हेल्प से मार्किंग कर ली जाती है। उसके बाद मिस्त्री करते हैं क्या है,
जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैंड को, जिस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको स्लोप देनी है जहाँ पानी जाना है। उसके बाद जो टाइल रहती है आपकी, ये विट्रीफाइड टाइल रहती है, 2x4 की टाइल यहाँ यूज़ हो रही है और काफ़ी कंपनीज की आती है, लोकल भी आती है, कजारिया की आती है, ओरिएंट की आती है और भी जॉनसन की आती है, काफ़ी कंपनीज होती हैं उनकी टाइल आती है। तो जैसे ही आपका स्लोप बन गई, विट्रीफाइड टाइल को लाया जाता है, उसको टेम्प्रेरी फिक्स किया जाता है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये जो विट्रीफाइड टाइल है इसको आपको क्या भिगोना पड़ता है? नहीं, इसको भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती। और सामने जैसे आपने देखा मिस्त्री उसको टेढ़ा करके देख रहा था स्टाइल को, वो प्रोसेस क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि क्योंकि इसमें जो बड़ी टाइल्स रहती हैं पैटर्न के लिए ए बी सेक्शन होती है या 1-2 सेक्शन होती है या एरो होते हैं, तो उस हिसाब से इसको फिक्स करना होता है और इसका एक पैटर्न बनता है। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हो एक इटालियन लुक था, तो इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये डायरेक्ट जाएगी। तो हम कहाँ थे कि विट्रीफाइड टाइल और सिरेमिक टाइल में, तो सिरेमिक टाइल होती है उसको भिगोया जाता है, जैसे ब्रिक हमारी होती है, ईंट होती है, वो पानी सोखती है, वैसे हमारी जो सिरेमिक टाइल होती है वो भी पानी सोखती है, तो उसको भिगो के फिर लगाया जाता है। लेकिन विट्रीफाइड में ऐसा नहीं है कि वो ये बिल्कुल भी पानी नहीं सोखती है। और जैसे सामने आप टाइल देख रहे हो इसको फिक्स किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक गलती की जा रही है। जब टाइल फिक्स की जा रही है तो इसमें एक गलती हो रही है कि जो इसमें ग्रूव है, आपको 3-4 mm का ग्रूव दे देना है। जैसे आपकी जो बड़ी टाइल होती है वो बाद में आपकी बॉन्ड छोड़ सकती है, बेंड हो सकती है, अगर आपने ग्रूव उसमें नहीं दिया, क्योंकि जो टाइल है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होगी, तो उस वजह से दिक्कत आ सकती है कि आपकी बाद में टाइल बीच में से छूट जाए या ऊँची नीची हो जाए। तो आपको बीच में ग्रूव प्रोवाइड करना है, उसमें आप ग्राउटिंग कर सकते हो। और साथ साथ में आप प्रोसीजर भी देख रहे हो, साथ साथ में आपके मैं टिप्स भी देते जा रहा हूँ, डिटेल देते जा रहा हूँ। और जिस दौरान ये प्रोसेस किया जा रहा होता है, काफ़ी सावधानी आपको देनी है कि स्क्रैचेस नहीं आए, और टाइल टूटने का डर काफ़ी रहता है टेम्प्रेरी जब ये फिक्स की जा रही है। और टेम्प्रेरी फिक्स की जा रही है, इसको देखा जाता है पूरा कि कहाँ कटिंग आ रही है, कहाँ, जब एक बार कटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इसको परमानेंट किया जाता है, वो आगे मैं यहाँ देखूँगा। और नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना, ये जो टाइल में यूज़ कर रहे हैं हम, सामने जो टाइल देख रहे हो ये 2x4 का पीस है। आजकल पैटर्न चला हुआ है 2x4 का, 2 फुट ऐसे है और लंबी ये 4 फुट है। अगर हम ऐसे बोलें 600 mm by 1200 mm की ये टाइल रहती है और काफ़ी अच्छी लुक देती है, एक मार्बल लुक आपको देखने को इसमें मिलेगा। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाती है। और आपको एक बॉक्स में 2 या 3 ये टाइल देखने को मिलेंगी। और एक बॉक्स की अगर हम बात करें, 2 टाइल का बॉक्स जो आपका रहता है वो 900 से 1000 रुपये के बीच पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आपको, जब ये टाइल लगाई जाती है एक एडिजी भी आता है टाइल को फिक्स करने का, जो फेवी फिक्स रहता है, फेवी फिक्स उसका नाम है, काफ़ी कंपनीज का रहता है, तो उसकी हेल्प से अगर टाइल लगाई जाती है 2x4 की टाइल, मोस्टली आजकल देखा जा रहा है कि लोग वॉल्स पे भी लगा रहे हैं। जब वॉल्स पे आप लगाओगे उसको प्रॉपर से आपका जो पीछे का सरफेस होना चाहिए रफ होना चाहिए। अगर सरफेस जो है आपका पहले से पेंट किया हुआ है, उसको पेंट को निकाल के वहाँ हॉकिंग कर लीजिए, फिर उसको चिपकाइए टाइल एडिजिव के साथ। अगर नए हैं तो रफ सरफेस करके आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हो। तो एक अच्छा प्रोसेस रहता है जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ती है और वो भी रहता है। मेन चीज़ जब ध्यान देना, जब ये टाइल लगाई जा रही होती है तो तब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके कॉर्नर्स, क्योंकि मोस्टली कॉर्नर से अगर टाइल टूटेगी तो उसको फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है जब आपको टाइल लगानी है। और एक चीज़ ध्यान देना, जब भी टाइल की कटिंग की जाती है तो उसमें एक डायमंड ब्लेड आता है, लोकल कंपनी का ब्लेड भी आता है, जब उसकी कटिंग करनी है तो ब्लेड आपको प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल किया तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो छिल जाते हैं और आपको देखने में जहाँ से जॉइंट होगा वो काफ़ी ख़राब दिखेगा देखने में। और अगर हम बात करें टाइल फिक्सिंग का जो कॉस्ट रहती है, मोस्टली टाइल फिक्सिंग का कॉस्ट इस समय 10 रुपये अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बड़ा काम है 10 रुपये पर स्क्वायर फीट ले सकते हैं, लेकिन 13 रुपये से आगे ऑनवर्ड आपको 20 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ग्राउटिंग करवाते हैं तो ग्राउटिंग के जो प्राइसेस है 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहते हैं। बाकी अगर हम 15 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल फिक्सिंग का दे रहे हैं प्लस 5 रुपये आप जोड़ते हो उसमें, तो 20 रुपये आपको ग्राउटिंग के साथ फिक्सिंग का खर्चा आ जाता है। तो ये भी चीज़ आपको काउंट कर लेनी है जब आप टाइल फिक्सिंग करवाओ।
और वेस्टेज अगर हम पकड़ के चलें 5% आपकी वेस्टेज रहती है, जो भी टाइल आप लेने जाओगे तो उसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी है, 10x12 का अगर रूम है तो आपकी 10x12 120 स्क्वायर फीट हो गया, और उसका आपको 5% अप्रॉक्स 5 स्क्वायर फीट या 6 स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके चलना है, और ये हो गया हमारा फ्लोरिंग का। फिर स्कर्टिंग जो होती है पैरामीटर के हिसाब से आपको स्कर्टिंग लेनी है, 10x12 का रूम है, 24 + 20 = 42 स्क्वायर फीट आपकी स्कर्टिंग को लेके आपको चलना है, तो आपका 120 + 42 आप 160 - 170 - 180 स्क्वायर फीट आपको टाइल लेके इस हिसाब से कैलकुलेशन आपकी की जाती है। यहाँ क्लियर हो गया। जब एक बार टेम्परेरी टाइल को बिठा लिया जाता है उसके बाद ये गोल बनाया जाता है, मोटार बनाई जाती है, जो पानी आप देख रहे हो बाल्टी में पड़ा हुआ है, पानी नहीं सीमेंट है इसमें मिक्स, इसका एक पानी लिक्विडी फॉर्म बनाया जाता है, और जब टेम्परेरी हो जाता है उसके बाद इसको उस जगह से टाइल निकाली जाती है, टाइल निकाल निकाल के साथ में क्या किया जाता है, ये लिक्विड डाला जाता है, और एक सबसे अच्छा प्रोसेस मेरे को देखने को मिला, एक अच्छा मिस्त्री वही है जो ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है जब टाइल को फिक्स करने में। मोस्टली मैंने देखा है कि क्या होता है, कुछ सिर्फ सीमेंट डालेंगे और टाइल को बिठा देते हैं, वो गलत तरीका है। ऐसे पैटर्न बनाने से क्या होगा, टाइल को एक बॉन्ड मिलेगी, एक पकड़ के रखेगा, तो ये तरीका भी आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप टाइल फिक्स करो, और इसी पैटर्न के दौरान चलते रहना। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना, जब आप टाइल फिक्सिंग ये की जाती है, ये कर रहा है ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो पूरे कर देने, और इसके लिए आपको हमेशा यूज़ करना है जो रबर का हैमर रहता है उसको यूज़ करना है, और अगर मैं प्रेफर करूँ आपको हमेशा बाहर में कभी भी सिरेमिक टाइल नहीं लगानी है, क्योंकि उसका कलर या उसकी लाइफ कम होती है, आपको वॉल पे बाहर में या फ्लोरिंग में आपको हमेशा विट्रीफाइड टाइल के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी हमारी टाइल पे रहेंगी, जिसमें हम बात करेंगे आउटडोर के लिए कौन सी टाइल चाहिए, कितने एमएम की होनी चाहिए, ये भी मैटर करता है इसकी स्ट्रेंथ पे। जब एक बार ये प्रोसेस हो जाता है, मतलब जब उसका परमानेंट टाइल को कर दिया जाता है, तो उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, दूसरे दिन वॉशिंग करके उसको आपको क्या करना है, स्कर्टिंग लगा देनी होती है। और स्कर्टिंग की अगर हम बात करें, स्कर्टिंग आपकी 5 से 6 इंच की स्कर्टिंग आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी दिखती भी है, एक उसकी ग्लॉसी लुक दिखती है टाइल की जब स्कर्टिंग इसमें लग जाती है। अगर हम बात करें दूसरी स्कर्टिंग को, हमेशा RMT में, रनिंग मीटर या रनिंग फीट में काउंट किया जाता है, जैसे हमारी फ्लोरिंग का कैलकुलेशन अगर किया जाएगा, रेट एनालिसिस किया जाएगा, तो वो पर स्क्वायर फीट में रहेगा, लेकिन जो हमारी स्कर्टिंग रहती है, स्कर्टिंग सामने आप देख रहे हो कि स्कर्टिंग होती क्या है, पैरामीटर में एक वर्टिकल में छोटा पीस 5 से 6 इंच का लगाया जाता है, जैसे सीमेंट पेस्ट आप देख रहे हो उस पर लगाया जा रहा है, उसको डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। जब एक बार आपकी स्कर्टिंग लग जाती है, दूसरे दिन इसकी प्रॉपर क्यूरिंग आपको कर देनी है, तराई कर देनी है, पानी मार देना है, नहीं तो आपके ऊपर उसके क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये फंडा था, ये प्रोसीजर था। अच्छा, इससे आप फॉलो करते हो, अगर ऐसे टाइल प्रोवाइड करवाते हो तो आपकी टाइल की स्ट्रेंथ भी रहती है, लाइफ भी रहती है, और भी काफ़ी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी होंगी। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।